हाय गाइस, तो दोस्तों आज और कल हमारे क्लब की छुट्टी है, तो हमने प्लान किया कहीं घूमने जाए। कहाँ जाए? हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर पे एक बहुत बड़ा फोर्ट है। उस फोर्ट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये बहुत सारे मूवीज की शूटिंग हुई है वहाँ पे। और जो बागी 2 मूवी है ना, जो रिसेंटली आई थी, उस बागी 2 मूवी की शूटिंग भी वहीं हुई थी। और दोस्तों ये दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी वहीं हुई थी। ये जो आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की मूवी थी ना, दिल चाहता है, ये वाली मूवी भी वही शूटिंग हुई थी। मैं उस मूवी का शूटिंग स्पॉट भी आप सबको दिखाऊंगा, ठीक है? तो हम वहां जा रहे, तो आप सभी को दिखाते हैं बागी 2 की शूटिंग कहाँ हुई थी और वो फोर्ट कैसा है। तो हमारे पास एक ड्रोन भी है, तो ड्रोन से अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट करना, ठीक है? तो हम चलते, लेट्स गो। दोस्तों मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी घूमने के लिए, वहाँ जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन एक ही है, अपने पैर को तकलीफ दो और चलते जाओ। तो वहाँ जाने के लिए ना बस मिलता है ना कुछ और ऐसा सिस्टम है, या तो अपना बाइक हो या तो कैब बुक करो। कैब यार बहुत महंगा होता है यहाँ पे, आप सभी को पता ही रहेगा। मैं दोस्तों को कहा कि यार कि भाई चलते घूमने को, वो बोल रहे कि यार 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना हमें अच्छा लगता नहीं है, तो उन लोग रेडी नहीं है चलने के लिए। मैंने सोचा यार हमें तो घूमना है भाई, तो चलो अकेले चलते, बस घूमते भाई। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, गोवा का रास्ता यार कितना क्लीन है पता है। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ, हल्के सा थकान सा महसूस हो रहा है। बीच में कहीं शॉप वगैरह मिलता है तो रुक के कुछ पी लूंगा यार, पानी वानी पी लूंगा। ऑलमोस्ट वहां से आया हूँ और चढ़ना है वो जाके, पता सर थक सा गया हूँ यार, क्योंकि बहुत टाइम हुआ पैदल नहीं चला, पता मैं दिल के से धक 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 कर रहा है। हाँ वैसे ही घूमने के बाद घर जाके सोना ही है, आज भी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। मेरे सारे दोस्त लेजी हैं और सभी बोलते हैं यार उनको गाड़ी चाहिए बाइक चाहिए उनको जाने के लिए, तो हम ठहरे पैदल चलने वाले लोग। कोई नहीं यार, हम पैदल ही चल लेंगे। दोस्तों मत सुप सुप करके गाड़ियां बढ़ रही हैं, यहाँ से बस जा रहे हैं, प्राइवेट बस, और कपल्स मस्त चिपक चिपक के जा रहे हैं। माँ की आंख में यार पैदल जा रहा हूँ, हाँ पहुंचने वाला हूँ और कुछ देर है। दोस्तों फिलहाल हमने ले लिया टिकट, एक हाथ में टिकट है, 25 रुपए का यहाँ पर टिकट आता है, तो टिकट करना पड़ता है टिकट काउंटर से। तो हमने ले लिया है टिकट, इंटर हो चुके हैं। दोस्तों ये है एंट्रेंस, ये चेक कर मेरे भाई, टिकट टिकट फाड़ दिया, ये रहे हमारा टिकट फट चुका है, अभी हम एंट्री करेंगे। पहले क्या थे, अभी आज क्या है, सब दिखाया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ। जो हम जा रहे हैं फोर्ट पे अभी, ये पहले ऐसा था दोस्तों, ऐसा फोर्ट था, अभी ये ऐसा है, देखिए सिकला चर्च दोस्तों पहले ऐसा था, अभी देखो ऐसा है। और यहाँ से थोड़ा आगे दोस्तों बीच है, हम उस बीच पे जाने वाले हैं अभी। और हाँ आप सभी को ये दिखाने वाले कि बागी 2 की शूटिंग कहाँ हुई थी। दोस्तों स्टार के ऊपर हुई थी बागी 2 की शूटिंग। दोस्तों लोग गोवा आते हैं दारू पीने के लिए, मजे करने के लिए, कपल के साथ आते हैं। यार अगर गोवा आए आप, अगर यहाँ नहीं आए तो क्या किया आपने यार, इतना प्यारा जगह। दोस्तों अभी तो गर्मी है पता है, अभी 12 बज रहे, इतना ज़्यादा गर्म है यहाँ पे, फिर भी मुझे घूमने को इतना मज़ा आ रहा है यार। अगर दोस्तों यहाँ पे आना है ना आपको, आपको शाम को आना दोस्तों, शाम को अभी 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन वैसे आप 4 बजे आओगे, 3:30-4 बजे तो धूप ख़त्म हो जाती है। तो धूप ख़त्म होने के बाद दोस्तों जो सीन यहाँ से निकलता है आज आपको बहुत बहुत सही होता है।
आप सभी को म्यूजियम भी दिखाऊंगा। वहाँ ये दोस्तों समुन्द्र के किनारे आ गया मैं, साइड साइड से इतने नीचे आ गया, पता दोस्तों कितना ऊपर से आया था पता। फाइनली हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमने पूरा घूम लिया दोस्तों, हमने अपर फोर्ट घूम लिया, हमने लोअर फोर्ट घूम लिया, हमने दोस्तों म्यूजियम देख लिया। दोस्तों म्यूजियम इतना प्यारा है कि क्या ही बताऊं। ये कैब है, ये देखो कैब, कैब में लिखा है रेंट ए कैब। पता क्या लिखना चाहिए इस कैब में? घर बेचो और कैब रेंट करो, ऐसा लिखना चाहिए। या तो अपना प्रॉपर्टी बेच दो, या तो अपना फोन बेच दो, आईफोन बेच दो, फिर कैब रेंट करो, ऐसा लिखना चाहिए। सच्ची दोस्तों ऐसे लिखना चाहिए गोवा में कैब में यार, क्योंकि यहाँ के कैब में मिनिमम भाई 1500, 2000, 3000 के कैब होते हैं। भाई 4 किलोमीटर जाना है, कैब वाला मांगता है 2000 रुपए। भाई क्या है भाई, अरे ओला उबर आओ यार। भाई मैं ट्विटर में ट्वीट करने वाला आज, भाई ओला उबर लाओ भाई गोवा में यार। दोस्तों मैं भी खड़ा हूँ म्यूजियम के यहाँ पे, मुझे यहाँ से जाना है कैंडलिम बीच। दोस्तों यहाँ से कैंडलिम बीच का सफर है 5 किलोमीटर। कैब वाले से पूछा, भैया मुझे कैंडलिम बीच छोड़ोगे? तो बंदा मुझे बोलता है, भाई कितने लोग? मैंने कहा भाई सोलो बंदा हूँ, सिंगल हूँ। तो बंदा मुझे कह रहा है 900 रुपए देना। मैंने कहा भाई यार सोच समझ के मांगो यार पैसे। बोलता भाई लास्ट 800 रुपए। कोई नहीं दोस्तों, हम क्या ही कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करना यार, कमेंट करना। और ये मुझे बताना कमेंट में कि मैं कौन सी जगह पे जाऊं और कौन सी जगह को एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे 12-15 किलोमीटर चलने के बाद मैं पता थक के बैठ गया था, तो बहुत सारी गाड़ियां यहाँ से आई, कपल गए, सिंगल लड़के गए, मतलब बहुत सारे ऐसे गए मेरे सामने 50-60 गाड़ियां। उनसे मैंने लिफ्ट मांगी, मुझे किसी ने लिफ्ट नहीं दिया। लेकिन जब थक के हार के एक पत्थर पर बैठा हुआ था मुझे मैं, तो इस अंकल आया मुझे पूछे, बेटा तुम्हें जाना कहाँ है? मैंने कहा अंकल मुझे कांदोलिम जाना है। तो उन्होंने मुझे पता बिना पूछे मुझे उन्होंने कहा कि बेटा आजा गाड़ी में बैठ जा। तो यार कुछ लोग होते हैं ऐसे यार। थैंक यू अंकल, अच्छा लगा मिलके। थैंक यू बाय बाय।